वक्त राजधानी रांची से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां सीबीआई पहली बार पहुंची एचयूसी मुख्यालय। दो गाड़ियों में सवार अधिकारी पहुंचे एचयूसी मुख्यालय। दो घंटों तक खंगाले गए कागजात। किस मामले को लेकर पहुंची सीबीआई, किसी को जानकारी नहीं। सीबीआई की एचयूसी में दबिश से अधिकारियों के हाथ पांव फूले। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां सीबीआई पहली बार पहुंची एचयूसी मुख्यालय। दो गाड़ियों में सवार अधिकारी पहुंचे एचयूसी मुख्यालय। दो घंटे तक खंगाले कागजात। किस मामले को लेकर पहुंची सीबीआई, किसी को जानकारी नहीं। सीबीआई की एचयूसी में दबिश से अधिकारियों के हाथ पांव फूले। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीबीआई की टीम जो है वो एचयूसी पहुंची है, और किन मामलों को लेकर के वो वहां पर पहुंची है इसकी भी जानकारी नहीं है अभी तक। देखिए, दो टीमें सीबीआई की एचयूसी के मुख्यालय पहुंची थी। एचयूसी के मुख्यालय में इन दोनों टीमों के अधिकारियों ने लगभग दो घंटे कागजात खंगाले। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कौन से मुद्दे को लेकर के सीबीआई जांच कर रही। देखिये, एचयूसी एक केंद्रीय उपक्रम है और सीबीआई भी एक केंद्रीय एजेंसी है। केंद्रीय उपक्रमों में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि दो चीजों को लेकर के सीबीआई की जांच जो है वो संभवतया यहाँ पर चल रही। पहली जो जांच थी वो कहा जा रहा है कि बहुत हद तक संभवतः ये जो स्क्रैप का घोटाला होता है, उसी स्क्रैप का कितना आउटपुट और इनपुट की एचयूसी के मुख्यालय में कितना डेटा एंट्री है, एक वो। और दूसरा कहा जा रहा है कि एक वित्तीय अनियमितता कुछ मामले थे जो कि आरटीआई के माध्यम से सीबीआई के सामने आए थे, तो उसी को सीबीआई जो है वो जांच करने के लिए पहुंची थी। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से कोई कुछ भी नहीं बता पा रहा। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ कि सीबीआई जो है एचयूसी के मुख्यालय पहुंची थी। एक बात तो तय है कि एचयूसी जो कि अभी बिल्कुल एकदम बर्बादी की कगार पर है, कई महीनों से वहां के कर्मियों को जो है वेतन नहीं मिला है, एक परमानेंट जो है एमडी नहीं है एचयूसी के पास, वो ऐसी स्थिति में वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायत वहां के वर्कर्स को लगातार कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि भाई एचयूसी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही। लेकिन सीबीआई की इस जांच का उनकी उन वर्कर्स के उन आरोपों से कितना इत्तेफाक है कितना इत्तेफाक नहीं है, यह फिलहाल वक्त की बात है। फिलहाल इंतजार है कि सीबीआई की तरफ से ऑफिशियली कुछ लेटर अगर जारी होता है या वहां से कोई अधिकारी कुछ बताता है तो फिर TG45 से दर्शकों को अधिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक जानकारी यही है कि दो टीमें दो घंटे तक कागजातों की जांच कर, तो उसके बाद फिर सीबीआई की टीम तो निकल गई, लेकिन जो एचयूसी के अधिकारी हैं वो डर के साए में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।